विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। So good evening once again. On behalf of Moradabad Handicrafts Exporters Association, Young Entrepreneur Society, Jodhpur Handicrafts Exporters Federation, Handicrafts and Carpentry. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji, during a convocation ceremony of Tirthankar Mahavir University held on 17th March 2023 at Moradabad, conferred the honorary doctorate to Sri Rakesh Kumar, Director General EPCH and Chairman IEML. Dr. Rakesh Kumar has been a visionary all his life and has significantly contributed towards the growth and development of handicraft sector in the country. He is aptly known as the Iron Man of the handicraft sector, and through his leadership and vision has been continuously guiding the handicraft sector. It's leaders like him who can make a significant impact on the lives of many and pave the way for a brighter future. Dr. Rakesh Kumar's contribution to the handicraft sector are undoubtedly invaluable, and it's essential to recognize and honor his hard work and dedication to the industry. A hearty welcome to you, sir. May I now request the representatives of the associations present here to jointly welcome Dr. Rakesh Kumar with a bouquet of flowers. All of them to jointly welcome Dr. Rakesh Kumar. अरे कैमरा नीचे हो जाओ यार। Neeraj Khanna, National Chairman of Young Entrepreneur Society, along with Mr. Rohit Dhal, Chairman, Yes, Moradabad, to felicitate Dr. Rakesh Kumar Ji with the shawl. Ek shawl paint karke unka abhinandan kar rahi hai. श्री नीरज खन्ना और श्री रोहित दाल। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट श्री नीरज खन्ना टू से अ फ्यू वर्ड्स। मंच पर आसीन मेरे सभी बड़े और सामने बैठे हुए सारे हमारे निर्यातक बंधु
आर्टिजन्स सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मुरादाबाद से पधारे हुए और कितने भी एसोसिएशन के यहाँ पर पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है और अच्छी बात यह है कि आज हम सब लोग इस फेयर के पवेलियन में बैठे हुए हैं और इधर हमारे राकेश जी कल डॉक्टरेट की डिग्री के लिए मुरादाबाद गए हुए थे। ऐसा मेरे ख्याल से आज इतिहास में पहली बार हुआ है कि राकेश जी मुरादाबाद हैं और हम लोग दिल्ली हैं। और ये बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे ट्रेड के जो करता रहता है और आप सब लोग उसे काफ़ी लोग यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो इकबाल अंकल वगैरह सब बैठे हुए हैं। ये लोग सब इतने पुराने लोग हैं, इन लोगों ने सारा टाइम जो है देखा है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को राकेश कुमार जी ने एक अलग मुकाम पे लेकर के आए हैं। और राकेश जी का जो सफ़र है वो सफ़र सिर्फ ट्रेड के लिए समर्पित है। आज इसके लिए उनको हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल इतनी बड़ी उपलब्धि जो उनको मिली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति है। और मुख्यमंत्री जी के हाथ से देना, इस डिग्री को लेना एक अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी, बहुत गौरव की बात है और बहुत गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए। राकेश कुमार जी हमेशा अपने जिस मिशन, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी और भी डिग्रियाँ इससे ज़्यादा और आपको ख्याति जो है मिलती रहे और आपका नाम रोशन होता है, हम आपके नाम के साथ साथ हम लोगों का भी नाम रोशन हो रहा है, आपका नाम रोशन हो रहा है तो हम लोगों का नाम, हम सभी का अपने आप ही ऑटोमेटिकली रोशन हो रहा है। और मैं आपको एक बात जानने से पहले बात और बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की टेबल पे 7 नाम गए थे डिग्री के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ राकेश कुमार जी का ही नाम फाइनल करा। उसकी वजह ये नहीं थी कि उसकी वजह जो मेन थी वो ये वजह थी कि राकेश कुमार मुख्यमंत्री स्वयं इस IML के एरिया में आ चुके हैं, कई बार प्राइम मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं और उनको मालूम था इस डेस्टिनेशन के बारे में, राकेश कुमार जी के जो करे हुए काम हैं एक्सपोर्ट के लिए, आर्टिजन्स के लिए। मुख्यमंत्री जी ने उसी को देखते हुए राकेश कुमार जी का ही नाम सिर्फ जो है अप्रूव करा और कहा कि जो है कल मैं अपने हाथों से इनको जो है सम्मानित करना चाहूँगा। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस बात से कि राकेश कुमार जी जितना आगे बढ़े, मेरे परिवार की भी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं और उम्मीद करता हूँ हम सब लोग उनके लिए और उनकी दीर्घ आयु के लिए कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद जय भारत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वैसे सबका आपका स्वागत, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राकेश जी के लिए उनके बारे में शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं तो सिर्फ कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के अगर उनकी तुलना करी जाए तो एक वो वृक्ष हैं जो हम उनके इंडस्ट्री वाले 10,000 लीव्स हैं, पत्ते हैं, जहाँ तक वो हैं वो हमारे को संभाले हुए हैं, वो एक एक पत्ते तक ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं एक और सारी इंडस्ट्री को। और वो ऐसा पेड़ है सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कोई काम नहीं है। इन्होंने आज
मेरे को इनके साथ लगभग 20-25 साल तो इनके साथ में हुए, इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे पास 45 ईयर्स हो गए। मैंने इनके साथ में अगर इनका नेगेटिव देखा जाए ना, तो नेगेटिव एक ही है कि इनका कोई नेगेटिव नहीं है। कोई भी एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जिन्होंने ये कहा हो रखे जी यार आपको ये बोला था देखो ये नहीं। हर एक को इन्होंने उसके हिसाब से उसकी जरूरत के हिसाब से मदद की है, हेल्प करी है। और खासियत ये है उसके बाद ये भूल गए, इनका काम है नेकी कर कुएं में डाल। अगर आज जिस जगह पे ये हैं, मैं समझता हूँ उनको सरकार को हम मेरे सामने ही इंडस्ट्री के कुछ लोग जो बहुत ऊपर तक हैं उन्होंने कहा इनको आगे पद्मश्री वगैरह के लिए हमने जाना है। राकेश जी ने सिर्फ ये कहा कि नहीं, मैं जिस जगह पे हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को उनकी सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। मेरे को कोई अवार्ड नहीं किसी किस्म का नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। और मैं अपनी तरफ से आपकी तरफ से उनको ब्लेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी लंबी उम्र हो कि हमारी जब तक इंडस्ट्री रहे वो हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सब लोग वैसे ही सोच रहे होंगे कि राकेश जी के विषय में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने समान है। और आगे बढ़ते हैं श्री अवधेश अग्रवाल और श्री निवेदन रहमान जी, प्रेसिडेंट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से। निवेदन करती हूँ कि वे MHEA की ओर से अभिनंदन करें डॉक्टर राकेश कुमार का। परिवार का जब बड़ा होता है तो सब जानते हैं कि वो कैसा है क्या है।
ये सब परिवार है, राकेश जी सबको अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार में कुछ चाचे ताऊ के लड़के बदमाशी दिखा देते हैं, उन बदमाशों के लिए भी तालियां बजा ली। ये गौरव का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। ऐसे बहुत से पुरस्कार राकेश जी के सम्मान में पहले भी दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका साथ, राकेश जी का साथ, उनका वरदहस्त हम सब पर विराजमान रहे, ऐसी हमारी कामना है। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ही नहीं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, मैं उन सब की ओर से राकेश जी का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं। क्योंकि निर्यातक किसी एसोसिएशनों में नहीं बटे हुए हैं, निर्यातक एक कौम होती है जिसमें ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, वो केवल निर्यातक होता है। और राकेश जी ने अपना पूरा जीवन निर्यात को और समाज के लिए लगाया है। एक प्राउड मूवमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डिग्री का आपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सुना भी होगा। योगी जी ने 7 दफा श्री राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, 3 दफे आप बोलिए श्री राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, इस नाम से पुकार कर पूरे भारत के निर्यातक को, इस इंडस्ट्री को गौरवान्वित किया है। ये हम सबका सम्मान है और हम उस सम्मान के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतनी बारिश में आप सबका आना और सम्मान करना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं और आपका ऋणी हूं कि आज आप ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान के लिए आए हैं जिसके लिए सम्मान करने में हमेशा अपने आप में गर्व महसूस होता है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सम्मानित मंच, मंच पर बैठे हमारे ईपीसीएच के चेयरमैन श्री आर के मल्होत्रा जी, वाइस चेयरमैन दलीप जी, वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना जी और हमारे स्पीयर के अध्यक्ष श्री अभिषेक अग्रवाल जी और हमारे साथ बैठे बीए के अध्यक्ष विशाल जी, प्रवीण पासा जी और दलीप बैद जी और सीपी शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे जो एक नए मुखिया हैं ईडी श्री आर के वर्मा जी, जिन्होंने अपने कंधे पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा भार उठा रखा है, उसके लिए मैं सभी सम्मानित मंच को धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे साथ यहां पर सभी सीईओ मेंबर्स बैठे हैं, निर्यातक बैठे हैं, वरिष्ठ निर्यातक बैठे हैं और हमारे आर्टिजन्स भी बैठे हैं और सभी मीडिया और प्रेस बंधु। देखिए साथियों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस डिग्री का लेना कोई आसान खेल नहीं है। ये अति विद्वान लोगों को डिग्री दी जाती है, जिस जो डिग्री जहाँ से मिली है टीएमयू से, वो हमारे हिंदुस्तान में तीसरे पायदान पर है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और साथ ही साथ सुरेश खन्ना जी को, जो माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उनका इसमें बड़ा योगदान रहा है। जब हमारा उद्घाटन समारोह था उसमें माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा और यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और साथ ही साथ इसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विनोद खन्ना के पुत्र श्री नीरज खन्ना जी, उनका इसमें बड़ा सहयोग रहा है, मैं उसके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये परंपरा अब से नहीं, ये 600 वर्ष से चली आ रही है, जो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से चली थी और वो आज तक चली आ रही है। साथियों, जो डॉक्टर राकेश कुमार जी ने जो काम किया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए कार्य किया है, उसमें इनका नाम 40 वर्षों से जो मेहनत की है, आज उसका ये नतीजा है कि आज उनको डॉक्टर राकेश कुमार जी के नाम से पुकारा जाएगा। और साथ ही साथ साथियों,
मैंने सुना था कुछ लोग कह रहे थे दूसरी डिग्री मिली है, ऐसा नहीं है। आप कितनी भी डिग्री मानद उपाधि ले सकते हैं, ये लॉ है और मैंने इसको पढ़ा भी है। तो अभी ये एक डिग्री नहीं, अभी तक तो कितनी यूनिवर्सिटी देंगे जो पहले पायदान पर हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी है, उससे भी इनको मान की उपाधि मिलेगी। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि राकेश कुमार जी ने 40 वर्षों से अपना जीवन निर्यात के क्षेत्र में आर्टिजन्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज हम हिंदुस्तान में कौन से पायदान पर हैं, ये भी आपको सोचना होगा कि ये राकेश कुमार जी के ये मेहनत का नतीजा है, उनकी ई पी सेट की पूरी टीम का नतीजा है, आर के वर्मा जी का भी उनके साथ पूरी टीम के साथ उनको मिला है। ऐसी ई पी सेट की टीम, उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। And I request Deendra ji to say a few words. Well, good evening, everybody. Once everybody is settled, okay, sir. I would like to begin by saying that even gods are happy today that we have the rains, as Abdeshi said earlier. So, I would want to be khush hai ki Rakesh ji ko hamare beech mein yahan bithaya gaya, unko upadhi di gayi. But the fact remains, what I personally feel, he is not bound by any degree. We should actually, as an industry, ask the government to install a degree in his name, which should be given to people who do something good for the industry in the future. उस डिग्री का नाम ही रकेश कुमार जी डिग्री होना चाहिए। रकेश कुमार जी को हम डिग्री देने वाले सरकार या कोई भी, I don't think we have that kind of ability to give him a degree. So I hope and pray in the future that we have, जैसे अमेरिका में सीट्स होती हैं बड़े बड़े हार्वर्ड लॉ स्कूल में, उस तरह से हमारे पास इंडस्ट्री में वी शुड क्रिएट अ सीट विच शुड बी नेम्ड आफ्टर राकेश। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील वी शुड डू। ऑल्सो फॉर द ई पी सी एच व्हाट ही हैज डन, व्हाट आई पर्सनली फील एज एन एजेंट, द ई पी सी एच वॉज बेसिकली टेकन वेयर इट वॉज टूडे और इट इज टूडे एंड गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन टूडे। The industry has grown phenomenally, as we all know, and we as sourcing consultants, yes, we can say hathi pe baith ke cheeti bhi apne aap ko hathi samajhti hai. That is how we have grown, assuming ki hum bhi utne bade ho gaye, because we have the support of the EPCH and the community of all the members of the EPCH. So I would like to thank him for taking you forward and then taking our industry along with him. So collateral jaise hoti hai growth, we are fortunate that we as BAA have grown along with the EPCH or under the shadow of the EPCH. We only have services to offer, we have no physical product to offer. So we have been able to basically take the benefit of your growth of the EPCH members. So thank you all very much for being present here today. I would like to again thank Rakesh sir for being present and listening to us on behalf of the BAA, and I hope and pray to God that we keep on, all of us get out to keep on praying for here onwards. Thank you very much all. By Deendra ji, that award should be instituted in the name of Rakesh ji, who is an institution in himself. I now request Mr. Naresh Bothra, President of Jodhpur Handicrafts Exporters Federation, to felicitate Dr. Rakesh Kumar ji and then say a few words. Shri Naresh Bothra ji. He's coming here along with his team. Please, are you?
Mr. Naresh Bothra to say a few words. I am representing Jodhpur and you all here, and we all feel proud for this felicitation that has come to him, doctorate, double doctorate, and many more to come indeed. These are just few degrees which are like literary degrees, but they are much more beyond it. Jodhpur ne aur hum logon ne, aap sabhi ne, jab se ye fair shuru hua, maine teesre fair se participate karna shuru kiya tha. Maine tab se inki horse power dekhi hai. उसके बाद में जैसे जैसे ये पेड़ 14 नंबर और 18 नंबर और से इतने बड़े 2 लाख मीटर के डिस्प्ले पे आ गया है, एंड टुडे दिस ईपीसीएच फेयर, दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ ऑल डिफरेंट मटेरियल्स एंड सेक्टर्स इज अ फोर्स ग्लोबली, एंड द मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर विच वी आर ऑल ग्रेटफुल इज ऑल डॉक्टर राकेश कुमार. वी एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट अप्रिशिएशन फॉर दिस tireless efforts during all these decades, not years, decades, and more to come. इनके बारे में एक ही चीज देखी है, जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ और जब आज तक देखा है, 100 बार एक बात हमेशा कहते हैं कि नरेश जी ट्रेड के लिए जो अच्छा सोचता है उसके लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, हर बच्चे के लिए खड़ा हूँ, हर एक्सपोर्टर के लिए खड़ा हूँ, हर आर्टिशन के लिए खड़ा हूँ. इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. आई फील इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट वी हैव हिम हियर फॉर दिस इंडस्ट्री. At this moment, I will not take long. May I all request that we all stand in his honor and please. This is our moment to us all. His unwavering effort, the terms I can use for him, a visionary leader, a transformatory leader. He has always encouraged us to embrace new technologies, new ways of thinking, and to strive for excellence, growth, leadership, development. Thank you, sir. Thank you all very much. Thank you so much. I request Shri Arshad Mir, Chairman, Handicrafts and Carpet Sectors Skill Council, along with Mr. Adil Hussain, Srinagar Carpet Training Center, and Rishi Soni, General Secretary, to kindly come and felicitate Dr. Rakesh Kumar. That is the Federation of Rajasthan Handicraft Exporters Association. I request Shri Sunit Jain and Shri Ravi Utpani to kindly felicitate Dr. Rakesh Kumar. मैं निवेदन करती हूँ HHEW से श्री CP शर्मा जी को कि वे राकेश जी का अभिनंदन करें. श्री CP शर्मा
सीपी शर्मा जी और श्री राजेंद्र जैन। फेडरेशन ऑफ राजस्थान होम टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट से मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री गिरीश अग्रवाल, श्री लेखराज महेश्वरी जी और श्री रविंद्रनाथ जी को। सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से श्री असफ गुड्डू और श्री पविंदर सिंह को। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से मोहम्मद असद गुड्डू और पविंदर सिंह जी। श्री विकास अग्रवाल, श्री विकास अरोड़ा और अंकुर प्रकाश from Muradabad SEZ Exporters Association to kindly come on stage to felicitate Rakesh ji. Muradabad SEZ Exporters Association se Shri Vikas Agarwal, Shri Vikas Arora aur Shri Ankur Prakash. अरब सलमान फैशन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स की ओर से श्री सागर मेहता, चिंटू कोहली जी, श्री दीपक जी, दीपक गुप्ता जी, श्री पंकज ओसवाल और राजेश जी को, अभय जी को, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। श्री आजम अंसारी से भी निवेदन करते हैं कि मंच पर आए।
श्री जहीर अहमद जी को भी सम्मान करना चाहते हैं, राकेश जी का। श्री जहीर अहमद, पंकज जी ओस्तवाल, तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम, जो कि हिंदुस्तान में 8000 प्रोफेशनल जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील है, उस संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट। प्यार और आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, हमारी ऐशी तरफ से बधाई और पूरे एक्सपोर्ट की तरफ से बधाई। ये कार्यक्रम हमने छोटा सा ही रखा था, लेकिन सब इतने भाव विभोर हो रहे हैं बोलने के लिए। कुछ कुछ राकेश जी के लिए मोहम्मद इकबाल शमसी जी हमारे बीच हैं, वे दो शब्द कहना चाहते हैं। आइए सर। ऐसा है, हर तरक्की में और हर आदमी की तरक्की में औरत का हाथ होता है। हमारी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है, राकेश जी की तरक्की। मैं इसके लिए इनको सम्मानित करता हूँ और इनको सम्मानित होने से पहले, एक दिन पहले मैंने इनको परफ्यूम दी थी भाभी जी के लिए, इन्होंने दीयू को नहीं दी अभी तक। सर देखिए, अगर नहीं दिए तो दे दीजिए। हर आपकी तरक्की में भाभी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हर कदम पे उन्होंने आपको, हर टाइम पे, आप 12 बजे भी आए, 1 बजे भी आए, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। लिहाजा आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि उन्होंने आपको बहुत बड़ा योगदान दिया। And now, on the occasion of this proud moment, we are going to present a memento to Dr. Rakesh Kumar, and it's going to be from the representatives of associations present here. Jointly they are giving this memento. All the associations or the representatives to jointly present a memento to Dr. Rakesh Kumar. अरे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो ऐसे? ठीक है, कैमरे बढ़िया। तो जो लोग कल प्रोग्राम में नहीं थे, उस फंक्शन में जहां पर राकेश जी को श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया, तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वे वीडियो जिसमें आप सबने सुना होगा कि उनका नाम बार बार लिया गया। सो हियर लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो ऑफ द अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी। वो वीडियो देखते हैं, वो पल एक बार फिर से जीवंत करते हैं आपके लिए। आप
request all of you to kindly be seated as we are going to take a glimpse of the video and relive the moment, the proud moment when Rakesh ji was honored by Honorable CM of Uttar Pradesh. विशाल अग्रवाल जी, जेपी सिंह जी, रजत सिंगल जी,
हमारे बीच उपस्थित सुमित जैन, जो हमारी जयपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और जयपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन और फॉरेक्स के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सभी और आप सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने समय समय पर हमारे ईपीसीएच के कार्यों को और हमारे एक्सपोर्टर्स के विषयों को उजागर किया है, हमारी बड़े मिजेंट एसोसिएशन जो कि लगभग $1 बिलियन के आसपास का कारोबार हिंदुस्तान के लिए मुहैया कराती है, ऐसी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी तानिया भाटिया जी, अनुपम जी और आप सभी दोस्तों, आज के कार्यक्रम को देखकर मुझे लगा कि आज का दिन शायद मेरे रिटायरमेंट का दिन तो नहीं है। ऐसा मत करो सर। वास्तव में दो बातें रिटायरमेंट में तय होती हैं, खूब सारे बुके, शॉल, कुछ गिफ्ट और बाद में आपके लिए कुछ लच्छेदार बात कहना कि वास्तव में आपने कुछ किया है। ये बातें अक्सर, ये तीनों चीज़ें अक्सर दूसरे टाइम पे भी होती हैं, जब व्यक्ति किसी तरह से, जब ईश्वर प्रदान रहता उसके बाद भी लोग तब भी करते हैं, ये तीनों चीज़ें सामान्यता तब भी होती हैं, इन दोनों में कम्युनिटी है। एक टाइम होता है जब आदमी काम से रिटायर होता है, दूसरा जब आपको लगता है कि जब उसका काम तमाम होता है। लेकिन वास्तव में इन सारे सालों में मुझे नहीं पता लगा कि कैसे मैं बड़ा हो गया। मैं आज भी आपको अपने, आप लोगों के बीच अपने आप को बच्चा महसूस करता हूँ। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा के समय मैं टू व्हीलर स्कूटर पर उसी पैशन के साथ चलता था और आज भी मेरी पैशन अपने आप ईश्वर ने वही रखी है मुझे कि जब मैं आप लोगों के बीच में किसी तरह से आता, मैं खासतौर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी इस तरह का सम्मान, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं हुआ, अभी तो जो एक मानद उपाधि मिली जो कि ऑनरी डिग्री है, ये वास्तव में डिग्री नहीं है, लेकिन मानद उपाधि मिलने के लिए भी जब भी ऐसी कोई चीज़ मिली तो ये वास्तव में मुझे नहीं दी गई, ये वास्तव में हमारे सेक्टर के काम को, सेक्टर की बढ़ोतरी को दी गई। अगर आज से 15 या 20 साल पहले कभी आप खुद अगर किसी को बताते थे कि हम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर हैं तो सामने वाला आपके बारे में कोई बहुत कुछ विचार नहीं रखता था, वो सोचता था कि हैंडीक्राफ्ट मीन्स बिल्कुल छोटे तबके का काम होगा, गुड्डे गुड़ियों की चीज़ होगी, क्ले की आइटम बनाता होगा। लेकिन आज वास्तु स्थिति बढ़ गई और उस वास्तु स्थिति के बदलने से हम लोग हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा, हम लोग एक कारोबार देने का एक बहुत बड़ा साधन बन गए। इसलिए 60 लाख लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, वही हाथ की मिट्टी का काम आज दिलीप जी करते हैं, लेकिन वो जाता है एलिमेंट्री जैसे स्टोर पर और डिजाइनर के हाथों से बन करके जाता है। तो काम की शैली बदली और ये काम की शैली बदलने में सब जो जितना भी किया ये सब आप लोगों ने किया। अगर हम अपने 10 साल या 20 साल पीछे मुड़ करके देखें तो हम अपने पर चला था जाने के मंजिल बगैर, लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया। कारवां ऐसे ही नहीं बन जाता, अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लेकर चलना, उनका मार्गदर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम सब डॉक्टर राकेश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ईपीसीएच की ओर से आप सभी का धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में एक बुके आदिल द्वारा। राकेश जी said this is just at the beginning, may there be many many more laurels for him in his pursuit. ये हर बार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर के इनको बहुत हौसला अफजाई मिली है, खासतौर पर पिछली बार
लगभग इनको $4,000 का ऑर्डर और एक दूसरा दो ऑर्डर बड़े मिले थे और उसके बाद इन्होंने उसको सप्लाई भी किया। तो आप ये मान के चले कि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे साथ आगे जुड़े हुए हैं तो आप मान के चले कि हम बहुत आगे जाएंगे, जो मैंने आपको कहा है वो पूरा होगा। धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने एक पंक्ति लिखी थी वो शेयर करना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, यूँ तो टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश करो, टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश करो। तो आदरणीय राकेश जी सर हमें हमेशा निःशुल्क यहाँ स्टॉल लगवाने के लिए फैसिलिटी देते हैं और हमेशा पूरा सहयोग यहाँ के पद अधिकारी हमारा करते हैं, इसके लिए मैं बेहतरीन विकास संस्थान जोधपुर की ओर से आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और EPCH के समस्त कार्यकर्ताओं का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, मैं ब्लाइंड स्कूल से और डेफेंडम स्कूल से आप सभी का बहुत आभार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना सम्मान दिया और राकेश सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि आप अपने बूथ में क्या लगाते हैं, याद है आपको जब हम प्रगति मैदान में होते थे तो क्रिसमस किस तरह से लगाते हैं, तो राज क्या लगाते हैं, तो शायद अगर वो पुरानी पिक्चर हो तो हमें लगेगा कि हमने अपने आप में बदलाव किया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारे जीवन का हिस्सा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हम तैयार हैं तो आप मान के चले अभी तो हमारी शुरुआत हुई है और आने वाला टाइम हमारा है, इसके अलावा किसी और का नहीं है। अभी खासतौर पर चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी आई है उस प्लस वन में इंडिया मस्त है और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो विदेश में जाने के लिए मस्त है, तो उसके लिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाएं। और मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा समय आने वाला है और अच्छा कारोबार होगा, कभी मंदी कभी ऊंचाई, ये वास्तव में हमारे रोज के चीज़ें हैं वो चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली लंबी दौड़ में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, मैं इस सारी चीज़ों का जो भी आज तक हम पहुँचे हैं, इस पड़ाव का जो मुख्य भागीदार है वो मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग हैं, वो निर्यातक हैं, वो मेरे हमारी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे समय समय पर IML में जो डायरेक्टर रहे वो हैं, हमारे साथ खास तौर पर मेरे जो EPCH में टीम है, अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो 15 करते हैं, अगर मैं 15 करता हूँ तो 18 करते हैं, और आप देखेंगे उसी स्माइल के साथ हमारे यहाँ EPCH में हम स्माइल के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करते, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में स्माइल के लिए बाकायदा 7 दिन का सेशन होता है, ये बताया जाता है कि आपको स्माइल कैसे देना है, लेकिन हमारे यहाँ EPCH में स्वतः लोग आपका काम भी करते हैं, आपकी बात भी करते हैं, उसके अलावा स्माइल भी देते हैं, कभी भी आपने किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखा होगा कि वो आपको माथे पे बल करके दिखाएगा, और यही चीज़ हम आगे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इंसिडेंटली आज हम होटल ना केवल हैंडीक्राफ्ट में, हम होटल इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, आपके पास अब होटल भी है और उस होटल में भी जो आप टीम देखते हैं उसे आप देखेंगे दे विल बी डिफरेंट देन एनी 5-स्टार होटल, वो बिल्कुल डिफरेंटली आपसे काम कर रहे हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि स्माइल देते जाइए और सबको खुश रखिए, और इस टीम ने खासतौर पर उसका मैं आभारी हूँ जो वर्मा जी के नेतृत्व में जो मेरे यहाँ यंग लोग हैं, सिद्धार्थ है, हमारे यहाँ संतोष है, हमारे कुशल है, हमारे यहाँ अमला है, नवीन है, हमारे सभी तमाम ऐसे हैं जितने भी हमारे लोग हैं वो सब लोग वन मैन आर्मी हैं। हमारे यहाँ आने वाले नए ऑफिसर हैं जो आपके साथ आगे घुल मिल चुके हैं, राजेश रावत जी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और खासतौर पर जितने ट्रेड के इश्यूज हैं वो टेकअप करते हैं, विकास गोयल जी हैं, विकास गोयल जी हमारे बहुत अच्छी तरीके से आगे काम बढ़ा रहे हैं। तो आप मान के चले EPCH सेफ हाथों में है, आप सब सेफ हाथों में है, आपका ट्रेड सेफ हाथों में है और हम आने वाले समय में कई नई बुलंदियों पर जाएंगे, जहाँ कहीं भी कोर्स करेक्शन की जरूरत होगी वो कोर्स करेक्शन करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें सजेशन मिलनी चाहिए, हमें उसका लॉजिक मिलना चाहिए, हम उस कोर्स करेक्शन पे काम करेंगे। और अभी जो नेतृत्व है राजकुमार मल्होत्रा जी का, दिलीप जी का और नीरज जी का, इसके नेतृत्व में डेफिनेटली हम आगे बहुत कुछ करेंगे। रंजन भाई और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, CP शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे बीच में आज उपस्थित हो, धन्यवाद।